हेलो। हेलो राशिद, राशिद बोल रहा हूँ। राशिद ये मैकेनिक बोल रहा हूँ। राशिद जी ये एक हमारी हेल्प कर दो, मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे बैठ जा, मैं बात कर रहा हूँ। राशिद जी ये हेल्प हमारी ये कर दो, मैं पापा और मेरे बड़े भैया ये गाड़ी में फंस गए हैं, गाड़ी में फंस गए हैं बहुत देर से, मतलब पापा की इतनी हालत खराब हो रही है, पापा का एक तो हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत इतनी खराब हो रही है, चाबी खो गई, यहाँ से निकला नहीं जा रहा हमसे। कौन सी गाड़ी है, क्या है ये, मैं बता, एक सेकंड, मेरा पैर फंसा हुआ, पैर फंसा हुआ है। राशिद जी ये मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, ये लाजपत नगर आए थे हम काम से, अब लाजपत नगर में ये गाड़ी की चाबी हमसे खो गई और अंदर से लॉक हो गई, खोल नहीं रही। अच्छा मैं अपने भाई को बता रहा हूँ, मैंने कहा राशिद जी से फिर भी पूछे थे, मैं इससे कह रहा हूँ इंजन के रास्ते से निकल लेते हैं तो पेच वेच खुल जाएंगे इंजन के। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तो पूरा वो पूरा बंद है वो। मना करो मेरे को, बात करो, हट 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 हट। हेलो राशिद जी, आप कौन बोल रहे हैं जी? राशिद जी मैं इसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, हम तीनों फंसे पड़े हैं, एक तो पापा हार्ट पेशेंट है, उनकी कहीं तबियत खराब होगी, मेरे को डर लग रहा है यार कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ये मेरे से बहस करा जा रहा है, मेरा भाई जो अभी बात कर रहा था, मैं इससे बोल रहा हूँ इंजन के रास्ते से बंदेगा, डिक्की के रास्ते से निकल ले, वहां से कितने पेज खोलने पड़ेंगे। गाड़ी कौन सी है? स्पोर्ट्स मॉडल है, स्पोर्ट्स कार है दादा ने दिलवाई थी। स्पोर्ट्स कार है, वो जो सीट जो है ना, हाँ जी, सीट को अपनी तरफ फोल्ड करके देखो, अगर डिक्की वहां से दिखती है, डिक्की का रास्ता दिखता है, एक सेकंड, उसमें आदमी निकल जाएगा। राशिद जी आप इसके चक्कर में कहाँ पड़े हो, डिक्की से निकलवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ इंजन के रास्ते से निकलवा दो, मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। इंजन में कहाँ निकलवाओगे यार, इंजन में सारा वो ऊपर सील होता है, वहां से नहीं निकल सकते, वहां पर इसके चक्कर में बात पड़ो मेरे को, हमें आप डिक्की के रास्ते से निकाल दो, डिक्की के रास्ते से निकल जाए। आप एक काम करो, डिक्की का आप सीट हटाओ, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो आप डिक्की फंस जाओगे, डिक्की भी बंद होगी। ये देखो पापा चिल्ला रहे हैं, पापा की तबीयत खराब हो गई, मेरे दिमाग खराब हो जाएगा। राशिद जी कैसी निकाल, चलो भाई की बात मालूम है, डिक्की के रास्ते निकलू कहाँ से निकलू है, तो टूल बॉक्स पेज का, टूल बॉक्स पर देखते हो, एक सेकंड, पीछे हट जा, इंजन के रास्ते निकाला, पीछे ये मिल गया, पीछे मिल गया, पीछे मिल गया, पीछे मिल गया। अब आप एक काम करो, सीट इसकी फोल्ड करो। पापा 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 रो रहे हैं, पापा रो रहे हैं यार, जल्दी जल्दी, हाँ क्यों, क्या टूल बॉक्स से क्या निकालू, क्या निकालू, पीछे वाली सीट इसकी फोल्ड करो, अगर फोल्ड होती है तो। सीट फोल्ड गई, एक सेकंड रुकिए, पीछे वाली सीट फोल्ड नहीं हो रही यार। भैया मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू मत कर, इंजन के रास्ते से हट यार। राशिद जी आप इसके चक्कर में, पापा की पता है कितनी तबीयत खराब है, आप मेरे को इंजन के रास्ते से बता दो, इंजन के रास्ते से निकल जाएंगे हम। ना जल्दी करो, बारिश होने वाली है और गाड़ी की छत भी नहीं है, होने वाली है, होने वाली है तो और ज्यादा मुसीबत पड़ जाएगी, तो बने बारिश होने वाली है तो उससे मतलब गाड़ी छत नहीं है, वो नहीं है ना, छत नहीं है, वो जो नहीं होती स्पोर्ट्स कार वो है, गाड़ी की छत नहीं है, अब बारिश हो गई ना, मैं सही बता रहा हूँ, सारे फिर जाएंगे। तो चालो बंद कैसे हो गए तुम, इंजन और डिक्की के बजाय कूद के क्यों निकलते तुम यार, इंजन और डिक्की की बात कर रहा हूँ, जब छत नहीं है तो कूद के निकल जाओ ना। एक सेकंड कह रहे हैं कूद के निकल जाए, लेकिन हाँ ये भी सही है, कूद के भी निकल सकते हैं, क्यों राशिद निकाल, कूद के नहीं निकल जाए, बेकार में इंजन की तरफ जाए या वो जाए। हाँ यार फोन में आने से पहले तो मैं ही नहीं दिख रहा जो गाड़ी छत नहीं है, गाड़ी की नहीं, ये तो दिख रहा था लेकिन किसी ने बताया नहीं ना हमें यार, याद हो यार। मैं सारा अभी रोजा इफ्तार के बैठा हूँ, पड़ा है। मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि रोजा इफ्तार के मैं ही बैठा हुआ हूँ, अब थोड़ा तो मजाक हो जाए ना इफ्तार करने के बाद तो ज्यादा मजा आता है। राशिद भाई सलाम अलैकुम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली का डॉन, और मैं सोच रहा था आपसे बात कर लूँ, ये गाड़ी में फंसा दिया आपने यार, लेकिन बहुत देर में एहसास हुआ कि ऊपर छत नहीं है, वहीं से निकल जाते, बेकार में चक्कर लगा रहे हैं हम, इधर भाग रहे हैं, पापा ही बनने वाले पहले पापा। Blue, blue, blue.